राधे राधे दोस्तों, देखिए मैंने ये सुंदर सी ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल जी के लिए, बिल्कुल मार्केट जैसी। मार्केट से अगर आप लेने जाएंगे तो ये 200 रुपये से कम की नहीं मिलेगी, और इसे आप फ्री में बना सकते हैं बचे हुए कपड़े से। देखिए पहना के दिखाती हूँ, कितनी सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी इसे पहनकर। अगर आप घर पे बनाते हैं तो बदल बदल के मैचिंग की ड्रेस अपनी पसंद की बनाकर पहना सकते हैं अपने गोपाल जी को। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो से आप हमेशा अपडेट रहें। देखिए लग रहे हैं ना प्यारे, पीछे से भी दिखा देती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। देखिए ऐसे सिंहासन पर जब आप बिठाएंगे तो इस तरह से फ्रिल उठ के आएगी। चलिए बनाते हैं इसे, हमने कैसे बनाया है। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज मैं बता रही हूँ ये ब्रॉकेट के कपड़े से 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना। ये हमारा टुकड़े बच गए थे ब्लाउज पीसेस से, तो हमने ऐसे ही टुकड़े से एक पट्टी कट कर ली है किनारे से। ये इसका मेजरमेंट हम बता देते हैं, ये हमने ली है 3.5 इंच लंबी चौड़ी, सॉरी 3.5 इंच चौड़ी, और इसकी लंबाई है 36 इंच। ऐसे ही हमें सेम साइज में इसका अस्तर कट करना है, तो हमने अस्तर के लिए ये फैब्रिक ले लिया है, अस्तर वाला फैब्रिक है हमारे पास, यही अवेलेबल था। आप किसी भी कलर का या अगर मैचिंग का है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सीधा कपड़ा है इस साइड, सीधे कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे, और हमें इसमें यहाँ किनारे से और इस साइड से और दोनों बगल में और एक साइड सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी, और यहाँ पे किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। कपड़े का ध्यान रखें, हमें सीधा साइड अंदर की तरफ करना है। इस तरह से हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमने तीनों साइड से सिलाई लगा ली है, दोनों साइड में और एक साइड यहाँ नीचे की साइड। अब हम इसको कपड़े को पलट देंगे इस तरह से। पलट के आप इस पर प्रेस लगाना चाहते हैं तो प्रेस भी लगा सकते हैं, वैसे ऐसे नाखून से करेंगे तो भी सही आ जाएगा। ये देखिए हमने ये सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये गोटा पट्टी ली है, तो इसे हम तीनों साइड से इस तरह से कुछ नीचे दबाएंगे और कुछ ऊपर, आधा नीचे मतलब आधा ऊपर, और इसको इस तरह से हम स्टिच कर देंगे यहाँ और नीचे की साइड, और दोनों साइड में और नीचे की साइड हमें गोटा पट्टी अटैच करनी है। तो हम ये कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर भी करेंगे और इस साइड और इस साइड। देखिए ये हमने गोटा पट्टी लगा ली है किनारे किनारे। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो अभी ये किनारे का ये एक्स्ट्रा जो अस्तर का कपड़ा है इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अब हम बराबर साइज की प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से, बराबर साइज की और बराबर दूरी पर, ना हमें ज़्यादा छोटी प्लेट बनानी है ना ही ज़्यादा बड़ी। इस तरह से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी पट्टी में हमें इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है, तो बना लेते हैं हम। देखिए ये हमने प्लेट्स बना ली हैं पूरे राउंड में। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे
इस तरह से। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हमने एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ। ये मैंने ली है 2.5 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई है 15 इंच लंबी। इसको हमें क्या करना है, पहले नीचे से हमें पट्टी ऐड जोड़नी है इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे कुछ छोड़ देंगे बांधने के लिए, तो हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सिलते हुए आएंगे। तो हम इतना सिल लेते हैं किनारे किनारे, फिर बताते हैं। देखिए हमने एक साइड से पट्टी में सिलाई लगा ली है, अब हम इस तरह से सीधी साइड इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करके इस तरह से हम यहाँ पे दबाते जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हम पूरे में ये नेफा बना लेंगे, स्टिच करते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से हमारी पट्टी बनके रेडी हो जाएगी ये नेफा की। चलिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें ये नेफा बना लिया है और ये बांधने के लिए पट्टी हो गई है। अब हमें क्या करना है, चोली बनाना है। तो चोली बनाने के लिए हमने इसी फैब्रिक का बॉर्डर था ब्लाउज का, वो हमने ले लिया है। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 12 इंच। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसमें हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे एक साइड से। देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है एक साइड से और एक साइड से हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको पलट देंगे किसी भी पेन एंड की मदद से, हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी पट्टी सीधी हो गई है। ये हमारी पिन भी निकल आई है। अब हम इसमें दोनों साइड से गोटा पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। ये क्योंकि हम चोली बना रहे हैं तो इस तरह से हम दोनों साइड से इसमें गोटा पट्टी लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए हमने दोनों तरफ से इसमें गोटा पट्टी लगा ली है। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और हम बीच से इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसमें ऐसे हमने फोल्ड किया और ये हमें सेंटर से थोड़ी आधी दूरी तक, यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से यहाँ पे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं इतना। ये देखिए हमने सेंटर से जोड़ दिया है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे और ऐसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इतना जोड़ लेंगे। इतना हम रेडी कर लेते हैं फिर बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने दोनों बाजू भी जोड़ दी हैं। अब हमें इसे घेरे में अटैच करेंगे, तो हमें इस तरह से सेंटर में मिलाते हुए सेंटर में सेंटर रखेंगे इस तरह से और हम इस तरह से इसमें स्टिच करते जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए, इस तरह से एक ड्रेस बनके रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।